ये एक होता है मारना और फिर होता है भिगो के मारना, और अंग्रेजों के साथ कल ये दूसरा वाला कांड भारतीय क्रिकेट टीम ने कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने अंग्रेजों का जो हाल किया है उसे देखने के बाद शायद ही वो हमें नीरव मोदी वापस करें। ये टेस्ट मैच 140 ओवरों में निपट गया और 1935 के बाद अब तक का दूसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच बना। इसलिए हमने सोचा ये वीडियो बनाया जाए और आपको ये बताया जाए कि इंग्लैंड वालों का रोना धोना कहां तक जायज है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉन ने इस पिच को टेस्ट क्रिकेट का किलर बताया है। क्या सच में ऐसा है? मतलब भाई, आपको चाहिए क्या एक टेस्ट मैच जो दो दिन में खत्म होकर आपको रिजल्ट दे जाए, या फिर एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें दोनों टीमें 600 रन बनाए और फिर एक बोरिंग ड्रॉ पर जाकर वो मैच खत्म हो जाए? और क्या सच में टेस्ट क्रिकेट से लोगों का रुझान खत्म हो रहा है? इस बारे में भी हम बात करेंगे आज के फनतंत्र में। तो देखिए, ऐसा है कि ये मानना पड़ेगा कि अहमदाबाद की पिच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी। आगे ऐसी पिच पर टेस्ट मैच होंगे या नहीं, ये रेफरी की रिपोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जब इंडिया के सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए एक टारगेट हो और उसका होम गेम हो, तो भैया पिच हमारे ही हिसाब से बनेगी ना, है? और हमने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर कि गाबा में या फिर मेलबर्न में पिच पर से घास काटो, वहां भी तो हमारे खिलाड़ी इतनी चोटें लगने के बावजूद खेले ही ना भाई, तो इंग्लैंडियों को क्या दिक्कत है? और जब हम तुम्हारे आएंगे तो बना लेना फास्ट पिच, हम नहीं रोएंगे। वैसे भी अपना तो लगान के टाइम पर डिसाइड कर लिया था कि 3 गुना लगान लोगे, अब हमने 2 दिन में मैच खत्म कर दिया तो हमें कलाकारी समझा रहे हो? और तुम्हारे तो सारे खिलाड़ियों को 2-2 बार बैटिंग भी मिली है, हमारे वालों ने तो सिर्फ 1 बार खेला है। तो ये हो गई इस टेस्ट मैच में पिच की बात। लेकिन क्या वाकई टेस्ट क्रिकेट मर रहा है और दुनिया से गायब होने की कगार पर है? क्या लगता है आपको? क्योंकि बात ऐसी है कि हम लोग 4G वाली जनरेशन है, हमें दुनिया में हर चीज एकदम फास्ट फास्ट चाहिए। अब ऐसे में एक मैच जो 5 दिन चलता है और उसमें 6-6 घंटे अपनी सीट पर बैठना पड़ता है, तो भैया उसमें लोगों के इंटरेस्ट में कमी तो आएगी। इसका जुगाड़ ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी ठीक करिए, स्टेडियम बढ़िया बनाइए, लोगों के बैठने की सुविधाएं अच्छी करिए, और इसकी ओर तेजी से काम भी हो रहा है। लेकिन अभी बहुत मेहनत बाकी है बाबू भैया। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में क्रिकेट फैन टिकट के लिए जितना पैसा देते हैं ना, उसके बदले में उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। अब एक दिन का वनडे हो या T20, उसमें इंसान ये सारी सुविधा नजरअंदाज कर भी ले, लेकिन 5 दिन के मैच में तो सारे इंतजाम टंच होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इन सब के बावजूद टीवी पर व्यूअरशिप लगातार बढ़ी है टेस्ट मैच की। डे नाइट टेस्ट मैचों की वजह से लोगों में रुझान भी बढ़ा है और वर्ल्ड चैंपियनशिप ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के क्रिकेट क्लब ने कुछ वक्त पहले एक सर्वे कराया था जिससे पता चला था कि इस दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं। उसमें से 70% फैन तीनों फॉर्मेट के फैन, यानी T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के। यही नहीं, 86% लोगों का यह मानना था कि टेस्ट क्रिकेट ही बेस्ट क्रिकेट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यह सर्वे किसी मोहल्ले में करा के फ्री कर दिया हो, 100 से ज्यादा देश और 13,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था और निकल के यही आया कि टेस्ट है बेस्ट। और वैसे भी अगर आपने हाल फिलहाल में टेस्ट मैच देखे हो तो आप T20 भूल गए होंगे, मतलब फुल मौज और पैसा वसूल, चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हो जहां पाकिस्तान को मैच बचाने के लिए 23 गेंदें खेलनी थी लेकिन सैंटनर के कैच ने उनकी मिट्टी पलीत कर दी थी, या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो जहां ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया की पैंट खोल दी थी। अभी वेस्टइंडीज वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट मैच में अपना पहला मैच खेल रहे काइल मेयर्स ने 4th इनिंग में डबल सेंचुरी मार के बांग्लादेश का 395 का टारगेट चेस कर लिया था। अब बताइए, ये सारे टेस्ट मैच इसी साल के हैं और साल में अभी 60 दिन भी पूरे नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है और आपको बस अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बढ़िया पिच बनेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसके चक्कर में हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल छूटा तो भैया हमको तो बुरा लगेगा, और वो हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगले टेस्ट मैच में भी चीकू भैया की टीम यानी विराट कोहली की टीम की पसंद की पिच बना दो क्यूरेटर साहब, अगर आप हमें सुन रहे हो तो। और ये जो इंग्लैंडियों का भिंडी रोना चल रहा है ना, उसको आप इग्नोर करो, वो सब हम संभाल लेंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। और हेलो, RJ रौनक नोपो चैनल पर हम हर दिन मैच के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डाल रहे हैं, और सिर्फ मैं नहीं, साथ में बउआ भी होता है। नमस्ते अंकिल, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।